करना चाहूंगी। मैं कश्मीरी पंडित हूं, जर्नलिस्ट हूं, एज अ कश्मीरी पंडित मैं इन सबको वार्न करना चाहती हूँ, ये बोलना बंद कीजिए कि कश्मीरी पंडितों को यूज किया गया। हम वाकई भेड़ बकरी नहीं है कि हम यूज होंगे। दूसरी बात, अगर हम यूज हो रहे, एक मिनट, उनसे बोलिए ना जो इशू को उठाते हैं सर, हम तो नहीं उठाते ना। मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, एक मिनट। और अगर हम यूज हो रहे हैं, हमारा किसी ने इस्तेमाल किया है, तो क्या हम ये समझे कि आप लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, सारे जहादी टेरर ग्रुप्स कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप लोग तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे, हम भारत के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, हम देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, देश के भाईचारे की पैरवी कर रहे हैं, देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं। हम किसी पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ना किसी आतंकवादी की पैरवी कर रहे हैं। हम पैरवी कर रहे हैं इस देश की, पैरवी कर रहे हैं लोकतंत्र की, पैरवी कर रहे हैं और देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं। आपको वही हो ना जिसको मेरे बाप ने बोला था कि भाई मैं अब तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए, और तुमने बोला था चलो 2-3 महीने के लिए बाहर जम्मू चले जाओ। किसने भाई छोड़ो, मेरे को सब पता है। मैं वो उनमें देखिए, आप शायद 90 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं 90 से पहले था ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, ये बात सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना अभी भी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो उस टाइम हुआ, क्या आज तक इंसाफ देने की बात कोई करता है? अगर वो उसमें कोई भी चाहे हजारों, मेरे को एक बात बोलो, आपने क्यों होने दिया? आपने क्यों होने दिया? क्योंकि आपने बुरहान वानी को आतंकवादी मानने में 10 मिनट लगा दिए, आपकी बात पे शक होता है। पर मुझे फिर भी खुशी है, फिर भी खुशी है कि कार्यक्रम के अंत होते होते संविधान की बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। कम से कम कार्यक्रम अंत होते होते सर, कार्यक्रम आतंकवादी को, बुरहान वानी को किसने आतंकवादी बनाया? इन्होंने माना नहीं है। बोला यासीन मलिक को किसने आतंकवादी बनाया? अरे तुमने जो जुल्म मेरे साथ किया, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ये बात है, मैंने ये बात है, सजा क्यों नहीं दी सरकार ने? मैं तो वही कह रहा हूं, अगर विवेक जी ने, आदिल जी ने आपके साथ जुल्म किया तो सरकार ने आज तक क्यों नहीं आपको इंसाफ दिया? मुझे वो बताइए ना, ये रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी वाले और कुछ नहीं कर रहे। सरकार चुपचाप बैठी रही, ये तो शत शत नमन है विवेक अग्निहोत्री को जिसने ये उगाया। विवेक अग्निहोत्री ने राहुल जी की पत्नी को कितना कंपनसेशन दिया? 150 करोड़ जनता को अंदर मारे गए, उनको कितना दिया गया? क्या हुआ अग्निहोत्री उनके घर चले?